यार हम मूवी देख रहे हैं, लास्ट में देखा कि गाना था बड़ा ही प्यारा था। हैं तैयार हम, अब आगे का पार्ट है तो प्ले करें। अरे बख्तावर सेठ, आज ही जेल से छुटाऊंगा। बच्चों के लिए सूप तैयार है? जी हाँ। तो ठीक है, बेबी को जो भी पसंद हो पिला देना और जो बच जाए वो कुत्ते को पिला देना। ओके मैडम। ले ले रानी बिटिया, आगे बैठ जा। बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार आली भाई लागू। राम राम बख्तावर के भाई लागू। राम राम भाई लागू। नमस्ते भाई लागू। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ सारे गिरधारी बुलाता मेरे को। औकात में रहकर बात कर भाई से। हाँ गिरधारी बुलाता है मेरे को। हम इन तरह का आसमान में उड़ने की सोचता है, आज से कभी गिरधारी बुलाएगा? आज से तो मेरे को गवर्नमेंट बुलाएगा। सारा क्या बुलाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम इसमें गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना तो आप अरबपति हो जाएंगे, हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी। जैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। बात है बख्तावर की बात काहे को कर रहा हूं यार। तुम्हारा आज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं, बड़ी ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं, बगड़े हैं, नौकर चाकर हैं और तीन तीन कारों में साथ चलते हैं। तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा, फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा। और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम माला माल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा सारा। बस वही गवर्नमेंट आप तो बहुत तो वही तो समझा रहा हूँ तेरे को यार, तो समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल दे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले, पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं। लाइव तीर तीर तीर। कैप्टन अटैक। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑल राइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। हाँ जनरल साहब बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेट अप। थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। ये जर्नल नहीं है, नटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जर्नल जी। जर्नल जी नमस्ते। पाए लागी जर्नल साहब। जर्नल साहब
आपकी कृपा से जो टैंक हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजय। अरे टोपी तो उतार भाई। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है, डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बच भाई। जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे, वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर मारा क्या जनरल है, अगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती है, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वरना कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है वो ये रहता है। समझ के ना आप सब कुछ खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काय में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं, नहीं। तो? ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे ये बाय गॉड सर। अभी दूं? दो सर। समझे। बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको भी पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीति समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। स्टॉप। और तुम सर हेड टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे? यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति जी, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ, अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ, बड़े चाचा चोर थोड़े ना होते हैं। हैं? ला 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 आगे नहीं, आगे नहीं, अब मैं डिशो अंकल की गोली चलाऊंगी और तुम हाँ अंकल की गिर जाना। अच्छा ज्योति, देखो बेटे मैं तुम्हारे लिए एक एक तोहफा लाया, एक एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया। अच्छा वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम्हारे भाई साथ चलकर वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। नहीं, नहीं नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ, बेटे वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर, हाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर आऊंगा। कुमार, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है, पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे हेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। पर तुम लोग क्या है भैया, क्यों चला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी, भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है, ये देखिए। भाग्य हाथ आएगा तो मार खाएगा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते, चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है, अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। तुम उससे जीत नहीं सकते,
क्योंकि आज आज दरवाजे से पहले मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रश्न निकाले गए हैं दो लोग। चुना क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप तीन थे। भाई आप लोग भी तीन थे, तुम ये और बजरंगबली। बेटे लाल लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विजय सर अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। चलो 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 घर चलो। आज राखी है मालूम, भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहां खड़े। चलो चलो भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है, है? चलो क्या है भैया? विजय भैया ये मेरे जीते हुए पैसे है, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं। चल 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 जा बच्चू। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारत नाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो चलो चलो। और हाँ अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे चूड़ी। चलिए भैया अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। अटैक अटैक। कुमार दरवाजा खोलो, कुमार बड़ा हरामी था। एक तो गदारी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, और जब वो जीत गए तो हरामी उनको ही चिढ़ा रहा है, ताने दे रहा है। बड़वा साला अटैक कैप्टन अटैक। शक्ल ही उसकी गांडू की। बस यार ये बच्चन साहब ने काम खराब कर दिया, वरना जो राजा बाबू और हमारा ये इनका हालत करते। पर वो भी बोल रहे थे लुच्चे लोग हैं छोड़ दो, तो इसलिए बस। बाकी जो देखा यार बच्ची वाला सीन, वो बच्ची ने तो मुझे भी डरा दिया यार। वो मुझे लगा यार ये कर रही है, उसको भी लगता होगा मजा आ गया, गन में गोली नहीं है। लेकिन वो बच्चन साहब होशियार था, वो गिफ्ट है ले लो, फिर बच लिया भाई, वरना काम ख़राब हो जाता। बाकी अच्छा लगा ये वाला सीन, लास्ट में कुत्तों ने ना बहुत गुस्सा दिला दिया।